बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मौजूद दोस्तों, इस कहानी की इससे पहले आप 3 किस्तें सुन चुके हैं, अब चौथी किस्त मुलाहिजा फरमाएं। फिर अंदेशा महसूस होता कि मेरा भी राजू वाला ही अंजाम ना हो। लड़की मेरा खत वापस मेरे मुंह पर दे मारे, मगर कुछ भी नहीं हुआ और ना ही कोई जवाब मिला। मैंने एक बार फिर कागज पर रख दिया है कलेजा निकाल के किस्म का खत लिखा। वो भी पहले ही खत के से अंदाज में उस तक पहुंच गया था, मगर उसके जवाब में भी खामोशी रही। नाराजगी न बरहमी न तवज्जा न इल्तफात, कुछ भी जाहिर नहीं हुआ। अलबत्ता ये सितम जरूर हुआ कि अब उससे सामना शाजो नाजर ही होने लगा था। गालबन उसने घर से निकलना बहुत कम कर दिया था। मैं कभी कभी इधर उधर खड़ा होकर उसका इंतजार किया करता और मुझे यूं लगता जैसे मैं सदियों से इंतजार ही कर रहा हूं। मेरी टांगें शल हो चुकी हैं, आंखें पथरा गई हैं और जिंदगी की आखिरी रमक भी मेरे जिस्म से नुचड़कर फिजाओं में तहलील हो चुकी है। और ये इंतजार ऐसा इंतजार था जिसके लिए कोई वादा नहीं किया गया था, जिसके पीछे मिलन की कोई आस नहीं थी। बेवजह बेवादा और लाहासिल इंतजार, बिलाखिर इंतजार का ये सूरज डूब गया। मेरे मैट्रिक इम्तहान शुरू हो चुके थे और मैं हत्तल इम्कान कोशिश करने लगा था कि पढ़ाई के अलावा कोई बात मेरे दिमाग में ना आए। वैसे भी अब शमीम ने गोया घर से निकलना ही छोड़ दिया था। मैंने भी उसके तसव्वुर को दिल के निहा खाने में धकेल कर उस पर फरामोशी का कफल डाल दिया था। मेरा ख्याल था कि यही तिश्नगी नाकामी और महरूमी मेरे इश्क का अंजाम है और मैंने उस पर सब्र कर लिया था। मैट्रिक मैंने सेकंड डिवीजन में पास कर लिया तो अब्बा जी को शौक चढ़ा कि वो मुझे मजीद आला तालीम दिलवाएंगे। उन्हें भी एहसास हो चुका था कि अब जमाना बदलता जा रहा था, मैट्रिक की कोई खास कदर नहीं रही थी और उन्हें यह भी पता चल चुका था कि क्लर्की कोई बहुत ऊंचा किस्म का ओहदा नहीं होता, बल्कि क्लर्की से आगे जहां और भी हैं। दूसरे वो अपने हमसरों के बच्चों को भी कॉलेज में दाखिला लेने की तैयारियां करते देख रहे थे। चुनाचे मैं भी उनके इसरार पर मालूमात वगैरह के लिए सियालकोट चला गया। जब मैंने खर्च वगैरह का हिसाब लाकर उनके सामने रखा तो वो चुप से हो गए। उस जमाने में गो की तालीम बहुत सस्ती थी, लेकिन हम जैसे लोगों के लिए 30-40 रुपए महीने का खर्च भी बड़ी अहमियत रखता था। गालबन अब्बा जी को कोई गुंजाइश नजर नहीं आ रही थी, लेकिन वो हिम्मत हारने वाले नहीं थे। गोलमेज तो चूंकि घर में दस्तयाब नहीं थी, इसलिए उस रात उन्होंने चारपाई और मुड़ा कॉन्फ्रेंस बुलाई, जिसमें दोनों चचा और उनकी बेगमाज शरीक थी। अब्बा जी ने मसला उनके सामने रखा, लड़के को तालीम हर हाल में दिलानी है और उसके लिए उन्हें भाइयों और भाभियों के तावन की जरूरत है। चारों शुरकाए कॉन्फ्रेंस ने मुंह बनाकर बारी बारी यही जवाब दिया, हम तो अपने बच्चों में से किसी को तालीम नहीं दिला सके, तुम्हारे बच्चे के लिए क्या तआवुन करें। अब्बा जी अपना समूह लेकर रह गए थे। कॉन्फ्रेंस यूं ही खत्म हो गई और उस रात अब्बा जी मामूल से कुछ पहले ही चादर में मुंह छुपा कर लेट गए। दूसरे रोज वो काम पर से वापस आए तो उनके चेहरे पर गुज़िश्ता रोज का दुख नहीं था। मैं उस वक्त अपनी चारपाई कस रहा था जब उन्होंने मेरा कंधा थपकते हुए कहा, तुम फार्म वगैरह भर कर रख लेना, दाखिले की तारीख आने से पहले मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा। दाखिला जरूर लेना और किताबें वगैरह भी ले आना, फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। मालूम नहीं वो किस तरह बंदोबस्त कर रहे थे, अपनी जान को किस अजाब में डाल रहे थे। मैंने चारपाई की पट्टी पर बैठते हुए कहा, अब्बा जी आखिर आप मुझे मजीद तालीम क्यों दिलाना चाहते हैं? यहीं रहकर या फिर शहर जाकर छोटी मोटी नौकरी तो मैं अब भी कर सकता हूँ और हम पर कोई इतने ज्यादा बोझ तो है नहीं कि हमें बहुत ज्यादा कमाई की जरूरत हो। तुम नहीं समझ सकते बेटा, उन्होंने पगड़ी उतार कर खिचड़ी बालों में उंगलियां फेरते हुए कहा, बात सिर्फ कमाई की ही नहीं होती, इंसान के कुछ ख्वाब भी होते हैं। मेरी तमन्ना है कि रुपया भी तुम जरूर कमाओ, लेकिन साथ ही कोई मशहूर और बड़े आदमी बनो। रुपया तो बहुत से लोगों के पास है, लेकिन वो सब बड़े और मशहूर आदमी नहीं हैं। फिर जैसे उनकी नज़र अपने ख्वाबों की भूल भलियों में भटकने लगी, मेरा जी चाहता है कि शहर में तुम्हारा बड़ा सा बंगला हो, तुम्हारी बीवी कोई पढ़ी लिखी मेम किस्म की औरत हो, फसल आने पर मैं तुम लोगों के लिए कभी प्याज की और कभी लहसुन की बोरी या फिर गन्नों का गठरा लेकर आया करूँ और बंगले के बागीचे में खेलते हुए मेरे गोल मटोल पोते पोतियाँ शोर मचाया करें, दादाजी आ गए। फिर वो दौड़ कर मेरी टांगों से चिमट जाया करें। अब्बा जी के चेहरे पर उस मुसरत आ गई, तसव्वुर से सुर्खी सी आ गई, उनकी आंखें दूर हवा में न जाने क्या देख रही थी। मैंने शर्माने की कोशिश की लेकिन कोई खास कामयाबी न हुई। मैंने धीमी सी आवाज में कहा, अब्बा जी अगर मैं बड़ा और अमीर आदमी बन गया और शहर में मेरा बंगला हुआ तो क्या आप मेरे साथ नहीं रहा करेंगे? आप भला फिर किस तरह लहसुन प्याज की बोरियां या गन्नों का गठरा लेकर आया करेंगे? नहीं बेटा, अब्बा ने सर खुजाते हुए कहा, मैं तो बिल्कुल सीधा साधा देहाती सा आदमी हूँ, मैं भला बंगले में रहता हुआ कहाँ अच्छा लगूंगा, मैं तो यहीं रहा करूंगा, बस महीने दो महीने बाद मिलने आ जाया करूंगा। तुम बस इतनी मेहरबानी करना कि अपने दोस्तों वगैरह को ये मत बताना शुरू कर देना कि ये बूढ़ा हमारा नौकर है, जैसा कि कई बड़े लिखे और दौलतमंद बेटे अपने देहाती वालदेन के बारे में कहने लगते हैं। तुम मुझे अब्बा जी ही कहा करना, अकेले में भी और उन सब के सामने भी, ताकि मैं जी भर के इस खुशी को महसूस कर सकूँ मैं एक लायक मशहूर और सआदतमंद लड़के का बाप हूँ।
मैं एक टिक अब्बा जी को देखता रहा। अब मेरा कद उनसे ऊंचा हो चुका था, लेकिन उस वक्त मुझे बहुत बुलंद कामत लग रहे थे, बहुत ही ऊंचे। वो बहुत कम बातें करते थे, लेकिन जो भी करते थे गोया दिल में खुब कर रह जाती थी। मेरा जी चाहा कि उठकर उनके सीने से चिमट जाऊं और किसी नन्हे बच्चे की तरह जोर जोर से रोने लगूं, लेकिन एक अजीब सी झिझक माने रही और इस दौरान वो हुजरा नुमा कमरे से बाहर चले गए। मैंने कॉलेज में दाखिला ले लिया और तकरीबन 2 साल गैर महसूस से अंदाज में गुजर गए। इन 2 बरसों में जिंदगी में कोई खास तलातुम न आया, कोई गैर मामूली वाकया पेश नहीं आया। करीबन वही पहले से मामूलात रहे, वही सूरतें दिखाई देती रहीं। एक छोटा सा इत्तेफाक ये जरूर पेश आया कि उस दौरान मुझे एक बार फिर लाहौर का चक्कर लगाना पड़ा। बदकिस्मती से इस बार राजू मेरे साथ था। वो इसरार करने लगा कि स्टूडियोज की सैर जरूर की जाए। मुझे याद था कि मैं उसके सामने खासी गप्पे हाँक चुका हूँ, इसलिए मैंने उसे टालने की बहुत कोशिश की, मगर वो न माना। इंसान के मुकद्दर में जो जिल्लत होती है वो तो उठानी ही पड़ती है, चुनाचे हमें भी उठाना पड़ी। सैर तो हम बारी एवरन्यू और शाह नूर स्टूडियोज की कर आए, लेकिन चौकीदारों के हाथों खासा जलील होना पड़ा। शाह नूर में तो हम नादास्तगी में एक सेट पर भी जा पहुंचे, जहां चंद मिनट तो हम शमीम आरा पर एक गाना पिक्चराइज होते देखते रहे। फिर हुआ ये कि फर्श पर रखे हुए बड़े बड़े स्विच बोर्ड्स और इधर उधर फैली हुई बिजली की मोटी मोटी तारों में उलझ कर राजू गिर पड़ा। वो उठने लगा तो उसका हाथ किसी ऐसी जगह पड़ गया जहाँ से उसे करंट का खासा जोरदार झटका लगा और वो उछल कर सीधा शमीम आरा पर जा गिरा, जो इस वक्त हार्ड बोर्ड की एक हवेली की दीवार से लगी ग्लैसरीन आंखों में डालकर अलमिया गाना पिक्चराइज करा रही थी। दीवार शमीम आरा और राजू तीनों ही एक दूसरे पर ढेर हो गए थे। उसके बाद हमारे साथ खासी बुरी हुई। डायरेक्टर लाइट मैनो और दीगर चचगान वगैरह ने पहले तो ये तस्दीक की कि हम किसी मुतलका आदमी के साथ तो नहीं आए, फिर उन्होंने हमारी पिटाई लगाने का इरादा किया और एक साहब ने ये तजवीज भी पेश की कि इन्हें पुलिस के हवाले कर दिया जाए, लेकिन शमीम आरा ही की बदौलत हमारी जान बच गई। उसने नहायत बेजारी से कहा था कि वो जल्द अज जल्द ये सीन खत्म करके घर जाना चाहती है, इसलिए किसी फालतू चक्कर में उलझ कर वो वक्त न जाया किया जाए। यूं हमारी जान बची और उन्होंने हमें सिर्फ डंडा डोली करके फ्लोर से बाहर फेंकने पर इक्तफा किया। मुझे अपनी बेइज्जती का मलाल तो बहुत था और शिद्दत से दिल चाह रहा था कि एक आध का जबड़ा तोड़ दूं, मगर पुलिस का सुनकर मैं अंदर ही अंदर कुछ सुकर से मट गया था। हमारा तो लाहौर में कोई जानने वाला भी नहीं था। मैं तो यही सोचकर खुदा का शुक्र अदा कर रहा था कि राजू के लिए करंट का झटका जानलेवा साबित नहीं हुआ था, वरना मैं राजू की लाश लेकर किस मुंह से घर वापस जाता। लेकिन राजू ने इस पहलू पर सोचा तक नहीं था। वो तो बाहर आकर मेरा मजाक उड़ाने लगा। वो मुझे वो बातें याद दिला रहा था जो मैंने पिछली मरतबा लाहौर से जाने के बाद उसे सुनाई थी। मैं खामोश रहा और दिल ही दिल में शर्मिंदा होता रहा। तहम इस वाक्य के बाद मेरे जहन में इस ख्वाहिश की जड़ें कुछ और गहरी हो गईं। कभी मैं इस मकाम पर पहुंचूं कि अपने दोस्तों के साथ स्टूडियो में दाखिल हूं, तो लाइट मैन से लेकर हीरोइन तक हमारी राह में आंखें बिछाया करें। मुझे नहीं मालूम था कि कौन लोग इस हैसियत के मालिक होते थे और मैं किस तरह इस मकाम तक पहुंच सकता था। मेरा शऊर मुझे इस ख्वाहिश पर हंसने पर मजबूर करता था, लेकिन दिल उकसाता था कि इस ख्वाहिश की आबियारी का बीज तो कब का फूट चुका था। शेव में काफी दिन हुए बनाने लगा था। शेव बनाते वक्त मैं अक्सर धुंधले से आईने में मुख्तलिफ जावियों से बार बार अपने चेहरे का जायजा लेता और दिल ही दिल में अपने आप से पूछा करता कि इस चेहरे का मुस्तकबिल क्या हो सकता है, लेकिन मुझे कोई वाजे जवाब न मिलता। कभी मैं अपने आप से सवाल करता, क्या मैं हीरो बन सकता हूँ? अपनी शक्ल हर किसी को अच्छी लगती है, लेकिन मैं हत्तलमकान गैर जानबदार बनकर और खुद परस्ती से बाला तर होकर देखता तो मुझे अपना चेहरा पाकिस्तानी हीरो के मुरूजा मायार पर पूरा उतरता दिखाई न देता। मेरी जिस्मानी साख्त हीरो के तौर पर बुरी नहीं थी, किसी हद तक मैं बॉडी बिल्डर नजर आता था। बहरहाल मेरा दिल कहता था कि हमारे यहाँ हीरो का जो तसव्वुर राइज है, मैं इस पर पूरा नहीं उतरता। अलबत्ता किसी जाबर और सफाक चौधरी के किरदार के लिए मेरी शख्सियत बेहद मौजू थी। फिर मैं अपने दिल को टटोलता तो एहसास होता कि हीरो तो मैं बंदा भी नहीं चाहता था, मैं तो इससे भी कोई ऊंची चीज बनना चाहता था, न जाने क्या। राजू कॉलेज में मेरे साथ नहीं था। फर्स्ट ईयर से उसने पढ़ना छोड़ दिया था। उसका बाप अक्सर बीमार रहने लगा था और उसने राजू को मुस्तकिलन दुकान पर बिठा दिया था। स्कूल के जमाने के और भी कई साथी थे, इधर उधर बिखर गए थे। उनकी जगह इर्द गिर्द के देहातों के बहुत से लड़के कॉलेज में दिखाई देते थे। मेरा पढ़ाई में ज्यादा दिल नहीं लगता था, बस गोया कोई रस्म निभा रहा था। ये मुझे बड़ा सुस्त सा काम लगता था, जबकि मेरी रगों में लहू गोया दौड़ता नहीं था, खोलता था। कोई आतिश फिशां था जो जिस्म में मुकीद था। मैं कुछ करना चाहता था, कोई हंगामा खेज वलवला अंगेज काम। जिंदगी की सुस्त रवि से मुझे कभी कभी चिढ़ होने लगती। इन्हीं दिनों मैंने किसी से सुना कि शमीम की शादी हो रही है, बारात लाहौर से आएगी। मेरे दिल में उसके इश्क की आग सर्द हुए 3 बरस होने को आ रहे थे, मगर ये खबर सुनकर जैसे राख में दबी हुई कोई चिंगारी हवा पाकर शोला बनने लगी। कोई भूली बिसरी सी खिसक उबर आई, कोई ख्वाबीदा जख्म जाग उठा।
تین برس بڑا طویل عرصہ ہوتا ہے، اس عرصے میں لوگ جانے کیا کیا بھول جاتے ہیں۔ میرے ذہن میں بھی اس کی یاد کسی تاریخ گوشے میں پڑے گرد آلود موتی کی طرح چھپ چکی تھی، مگر اس کی شادی کی خبر سن کر جیسے یاد کا یہ موتی ایک بار پھر جھلملا اٹھا۔ میرا جی چاہا کہ اسے ایک سخت قسم کا خط لکھوں جس میں اسے بے وفا، ہرجائی، دھوکے باز اور ایسے ہی بیسوں دوسرے التقابات سے نوازوں، مگر پھر مجھے اپنے آپ پر ہی کچھ عجیب ترم امیز انداز میں ہنسی آ گئی۔ مجھے فوراً ہی خیال آ گیا تھا کہ اس نے بھلا مجھ سے وفا کا وعدہ یا محبت کا اقرار کیا ہی کب تھا جو وہ بے وفا اور منکر محبت ہو گئی۔ ایک مدت سے میں نے اس کی جھلک تک نہیں دیکھی تھی، یوں لگتا تھا جیسے وہ کسی تہخانے میں رہتی تھی۔ اب جبکہ اس کی شادی کے چرچے سننے میں آ رہے تھے، تب بھی اس کے گھر میں کوئی خاص ہلچل یا لوگوں کی آمد و رفت دکھائی نہیں دیتی تھی۔ وہی پہلے کا سا سکوت طاری رہتا تھا۔ اس کا باپ صبح ہی صبح ترکی ٹوپی سر پر رکھ کر کام پر نکل جاتا تھا۔ وہ کسی وکیل کا منشی تھا اور بہت کم گوش شخص تھا، شاز و نادر ہی کسی سے بات کرتا تھا۔ میں نے اسے ہمیشہ سے ایک ہی شیروانی میں دیکھا تھا جو اب گھس گھس کر مل مل کے اس کرتے سے مشابہ دکھائی دینے لگی تھی جسے سیاہ رنگ دے دیا گیا ہو۔ کبھی کبھی وہ شمیم کی ماں کو ساتھ لے کر لفافے ہاتھ میں اٹھائے کہیں جایا کرتا تھا۔ میں نے سنا تھا کہ شمیم کی ماں کو کوئی لا علاج قسم کی بیماری تھی، مگر اس کے علاج کے لیے کوشاں تھا، کئی شہروں کے اسپتالوں کے چکر لگا چکا تھا۔ اب مجھے خیال آ رہا تھا جب میں شمیم کی محبت میں مبتلا ہوا تھا تو میں نے اس کے گھر شادی کا پیغام کیوں نہیں بھیجا، لیکن اپنی سوچ پر بھی مجھے خود احتجاج سی ہنسی آئی۔ بھلا میرا رشتہ لے کر کون جاتا، اور میں اس وقت عمر کے لحاظ سے اتنا چھوٹا تھا۔ میرے منہ سے شادی کی بات سن کر ابا اور چچا وغیرہ شاید مجھے دو چار چانٹے رسید کر دیتے۔ اس کے علاوہ شمیم نے بھلا التفات ہی کب ظاہر کیا تھا جو مجھے اتنی شہ ملتی۔ اس روز میں گلی میں کھڑا یہی سب کچھ سوچ رہا تھا اور اپنی اداسی کو دل میں چھپائے شمیم کے گھر کی طرف دیکھ رہا تھا۔ مجھے احساس ہو رہا تھا کہ کبھی کبھی کواڑوں میں خفیف سی حرکت پیدا ہوتی تھی، شاید ہوا سے کواڑ ہل رہے تھے یا پھر یہ میرا وہم تھا۔ دفتن ایک بچی کپڑے کے تھیلے میں اپنے اسکول کی کچھ کتابیں اور چھوٹی سی تختی ڈالے دروازہ کھول کر نکلی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہ بچی کس کی تھی، لیکن اتنا میں جانتا تھا کہ یہ شمیم کے ہاں پڑھنے آتی تھی۔ میرے قریب رک کر بچی نے اچانک مٹھی کھول کر ایک مڑا توڑا کاغذ میری جانب بڑھاتے ہوئے کہا، یہ شمو باجی نے دیا ہے۔ ایک لمحے کے لیے تو مجھے جیسے سکتا سا ہو گیا تھا، پھر میں نے کاغذ بچی کے ہاتھ سے چھپڑ دیا اور وہ ایک گہری سانس لے کر آگے دوڑتی چلی گئی۔ میں نے کاغذ کو اسی طرح مٹھی میں چھپا لیا جس طرح بچی چھپا کے لائی تھی۔ میں نے ایک بار پھر شمیم کے گھر کی طرف دیکھا، دونوں پٹ تقریباً ملے ہوئے تھے، معمولی سی درز تھی بیچ میں اور اس کے پیچھے ڈیوڑی کا اندھیرا تھا، مگر مجھے احساس ہو رہا تھا کہ اس دروازے سے وہی کنول آنکھیں مجھے دیکھ رہی ہیں جن میں مجھے کبھی التفات کی شبنم جھلملاتی نظر نہیں آئی تھی۔ کیا دم رخصت یہ آنکھیں مجھ پر مہربان ہو رہی تھیں، مگر اب کیا فائدہ؟ پھر دل نے کہا، احمق کہیں کہ فائدے نقصان کو گولی مار کسی کی محبت تو سرمایہ حیات ہوتی ہے، زندگی کے کسی موڑ پر بھی ملے سمیٹ لینی چاہیے۔ اور خیر ابھی سے اتنی خوش فہمی میں مطلع ہونے کی ضرورت ہی کیا ہے، ذرا اندر چل کر دیکھ تو صحیح کاغذ کے اس پرزے پر لکھا کیا ہے۔ اپنے کمرے میں آ کر دھڑکنوں کو اعتدال پر رکھنے کی کوشش کرتے ہوئے میں نے رکا کھولا۔ چھوٹے چھوٹے خوبصورت اور ہموار الفاظ کا خزانہ میرے سامنے بکھیرا ہوا تھا۔ اس میں لکھا تھا، میرے اپنے تم حیران تو ہوگی کہ تم نے تقریباً تین برس پہلے خط لکھا تھا اور میں آج جواب دے رہی ہوں۔ بس کچھ مجبوریاں تھیں جنہوں نے اتنے عرصے تک پیروں میں زنجیریں ڈالے رکھیں۔ تم کیا جانو کہ پیار کی جن شدتوں کا اظہار تم نے اپنے خط میں کیا تھا، اس سے کہیں زیادہ شدت سے میں نے تمہیں چاہا ہے۔ تمہارے متعلق سوچتے سوچتے نہ جانے کتنی راتیں جاگ کر گزاری ہیں۔ کتنا جی چاہتا ہے کہ تم سے ملوں، تمہیں دیکھوں، تم سے ان گنت باتیں کروں۔ تاخیر تو بہت ہو گئی ہے، لیکن سوچتی ہوں اب بھی کچھ گھڑیاں باقی ہیں، جاتے جاتے کیوں نہ ایک ملاقات کی یادیں اس خالی دامن میں سمیٹ لے جاؤں۔ کل میرے امی ابو صبح ہی صبح سیالکوٹ چلے جائیں گے اور رات گئے واپس آئیں گے۔ کل اتوار ہے، تمہیں بھی کالج سے چھٹی ہوگی، ہو سکے تو اس تشنہ محبت کو دلاسہ دینے آ جانا۔ میں پچھلے دروازے کی کنڈی کھلی رکھوں گی، 9 اور 10 بجے کے درمیان موقع مناسب دیکھ کر آ جانا۔ احتیاط کی تلقین اس لیے نہیں کروں گی کہ مجھے معلوم ہے میری عزت تمہیں اپنی عزت سے زیادہ پیاری ہوگی، محبت کرنے والوں کا یہی دستور ہوتا ہے۔ تمہاری شمیم۔ اس کے اپنے ہاتھ سے لکھا ہوا اس کا نام پڑھ کر نہ جانے کیوں ذہن میں چھناکا سا ہوا جیسے چاند کے برتن ہاتھ سے چھوٹ کر پتھریلی زمین پر جا پڑے ہوں۔ ایک منموہنی سی صورت ذہن کے دھندلائے افق پر یوں ایک لمحے کے لیے چمک کر غائب ہو گئی جیسے تاریک فضا میں ٹوٹا ہوا تارا، جیسے سمندر کی کسی لہر پر چاندنی کی جھلمل۔ میرے ارد گرد چمیلی کی خوشبو پھیل گئی، دل کے احرام میں مقید جذبوں کی حنوت شدہ لاشیں جیسے انگڑائیاں لے کر اٹھ کھڑی ہوئیں، انہیں نئی زندگی مل گئی تھی۔ میں نے اپنے آپ کو وہی نوعمر لڑکا محسوس کیا جس کی معصومیت پر جوانی چپکے سے شب خون مار چکی تھی۔ وہ زمانہ یاد آیا جب میں شمیم کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے گھنٹوں گلی میں کھڑا انتظار کرتا رہتا تھا، جب ہر وقت دل میں ایک میٹھی سی خلش، ایک ہلکا سا سوز، ایک مدھم سی آنچ محسوس ہوا کرتی تھی۔
एक लम्हे के अंदर इन सब जज्बों ने दूसरा जन्म लिया और मेरे हवास पर छाते चले गए। वही जज्बा, वही लगन, वही इश्तियाक और वही जोश व खरोश ओद कर आया। रात भर इसी सिनसनी के बाद नींद ना आई। सुबह अब्बा जी के जाने के बाद मैंने अपनी अकलौती पतलून और शर्ट पर कोयलों वाली इस्त्री बड़ी मेहनत से फेरी, शेव दो मरतबा बनाई और लाल साबुन की बची खुची टिकिया नहाने में खत्म करके छोड़ी। आज उस जाने जाने बुलाया था जिसका नाम जहन में आते ही धड़कने तेज हो जाती थी। हसबे मकदूर एहतमाम तो जरूरी था। तकरीबन 9:15 बजे मैंने पिछली गली का चक्कर लगाया तो मौका मुनासिब नजर आया। अकबी दरवाजे के सामने से गुजरते गुजरते मैंने मोहताज नजरों से चारों तरफ देखा और गैर महसूस तौर पर हाथ बढ़ाकर दरवाजे पर हल्का सा दबाव डाला। दोनों पट खुलते चले गए थे। मैं सर झुकाकर जल्दी से अंदर घुसा और दरवाजा बंद कर दिया। उस कमरे का फर्श बहुत नीचा था। मैं जैसे तहखाने में उतर गया था। यहाँ तहखाने जैसी ही सैलन और मुलगजा अंधेरा था। एक तरफ चारपाई पड़ी थी जिस पर सलीके से बिस्तर लगा हुआ था। एक दीवार में चंद तख्ते लगाकर अलमारी नुमा कुछ चीज बनाने की कोशिश की गई थी। उसमें किताबें, कापियां और अखबार वगैरह भरे हुए थे। उसके करीब ही एक छोटी सी तपाई रखी थी जो कपड़े से ढकी हुई थी और उसके पास ही मोड़े पर शमीम बैठी हुई थी। ये शायद उसी का कमरा था। मेरी आंखें अब कम रोशनी से मानूस हो चुकी थी और मैं उसे साफ तौर पर देख सकता था। उसने अपनी जगह से जंबश तक नहीं की थी और ना ही उसके चेहरे पर तगैयर आया था। वो तो बस जैसे सकते किसी कैफियत में बैठी थी। मैं पहली बार इतने करीब से उसे सरतापा देख रहा था। मेरा दिल जैसे धड़कना भूलता जा रहा था। चमेली का फूल कुछ कुमलाया हुआ था। उसकी आंखों के गिर्द स्याही माइल हल्के और पेशानी पर शिकने यूं साग थी जैसे सतायाब पर लहरें यकलख्त किसी जादुई अमल से मुंजमंद हो गई हूँ। गहरी आंखों में धुआं धुआं सा फैला हुआ था जैसे उसने काफी दिन तफक्कुरात की आग में जलते हुए गुजारे हों। मैंने ये भी देखा कि उसका लिबास काफी पुराना और मस्का हुआ था। मैंने एक अजीब सा दुख महसूस किया जैसे मेरे मनपसंद खिलौने को किसी ने बेतुजी और बेपरवाही से गैर मुनासिब सी जगह पर फेंक दिया हो। अगर उसके जिस्म पर कोई खूबसूरत सी साड़ी होती, महज चेहरे की थकन छुपाने के लिए उसने हल्का सा मेकअप किया होता तो किसी भी फिल्मी हीरोइन से ज्यादा हसीन नजर आती। चंद लम्हे हम बुत बने एक दूसरे की तरफ देखते रहे। फिर उसने यूं तवील सांस ली जैसे हवा में ऑक्सीजन की शदीद कमी वाकई हो चुकी हो, लेकिन वो बोली, अब भी कुछ नहीं। मैं भी बददस्तूर खामोश रहा। मेरा दिल गोया सीने के बजाय कनपटियों में धड़कने लगा था। मुझे यकीन है कि उसकी भी यही कैफियत थी, मगर वो बहुत गहरी झील थी। जात की तह में जाने क्या कुछ छुपाए हुए थी। बिलाकर मैंने अपनी तवानाई जमा की और उसके करीब चला गया। तब उसने सरगोशी में कहा, खुशामदीद, और इसी तरह टांग पर टांग रखे मोड़े पर बैठी रही और मैं उसके सामने मुजरिम की तरह खड़ा था। खुशामदीद इस तरह नहीं कहते, मैंने भी सरगोशी में कहा, तो फिर किस तरह कहते हैं। उसने सर उठाकर आंखों में मासूम सी हैरानी लिए मेरी तरफ देखा। उसकी मरमरी गर्दन कुछ और लंबी होगी, मैं बताता हूँ, मैंने झुककर उसके हाथ थामे हुए कहा। फिर मैंने उसे बताया और वो झुरझुरी सी लेकर सर झुका कर रह गई। मुझे हैरत थी कि उसके झाग जैसे नर्म हाथ बर्फ की तरह सर्द थे, ताहम उसका रवैया सर्द नहीं था। हम चारपाई पर आ बैठे। मैं नौमूस सही लेकिन बहरहाल मर्द था और मर्द को जरा सी शह मिले तो रेस के घोड़े की तरह सरपट दौड़ने लगता है। मेरे साथ भी यही हुआ। मैं जिसका इरादा लेकर नहीं आया था, जिसकी मुझे तमन्ना नहीं थी, वो सब कुछ हो गया। फिर चंद लम्हे बाद मैंने देखा वो तकिए में मुंह छुपाए फूट फूट कर रो रही थी। मैंने तकिए से उसका सर उठाया। आंसू गोया उसके दिल में किसी चश्मे की तरह मदफून थे और अब राह पाते ही ये चश्मा फूट पड़ा था। उसका चेहरा तर था। मैं परेशान हो गया। समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं, उसे कैसे चुप कराऊं। मैंने बड़ी अपनाइयत से उसके कंधे पर हाथ रखा और हकलाते हुए कहा, शम्मो देखो, इसमें सिर्फ मेरा ही तो कसूर नहीं। आखिर ऐसी रोने वाली या परेशान होने वाली क्या बात है, कुछ नहीं होता। मैं तुम्हें, उसने मेरी बात काट दी और भीगी भीगी पलकें उठाकर बोली, नहीं, मैं इस वजह से नहीं रो रही। मुझे इस पर कोई दुख या पछतावा नहीं। मैं तो तुमसे एक बात पूछना चाहती हूँ। तुम गवाह हो ना कि मैंने अपने किरदार की किस तरह हिफाजत की थी। जब से जवानी के खारजारों में कदम रखा था, तब से न जाने किस किस ने मुझ पर जाल फेंके, लेकिन क्या मैंने किसी की तरफ तवज्जो की? क्या मैंने किसी को अपने आप तक पहुँचने की इजाज़त दी? मैंने अपनी ख्वाहिशों पर पहरे लगाए रखे। मैं अपनी तन्हाई का अजाब झेलती रही, तलब की आग में जलती रही। मैंने कुछ भी तो नहीं किया। कांटों में रहकर दामन को बचाए रखा, हालांकि जवानी का एक एक पल कड़ी आजमाइश होता है, मगर मैं इन आजमाइशों में पूरी उतरती रही और इसी तरह मैं 27 साल की हो चुकी हूँ। मैं चाहती तो इससे पहले भी न जाने कितनी मर्तबा तुम्हें यहाँ बुला चुकी होती। यह मेरा कमरा है और तुमने देख ही लिया है कि पिछली गली में भी इसका दरवाजा है। रात को मैं तन्हा यहाँ सोती हूँ। बार बार ऐसा भी हुआ है कि सोते सोते आँख खुली तो एहसास हुआ कि मेरे हल्क में कांटे पड़ गए हैं, जिस्म पसीने में तर हो चुका है और हाथ पांव मुड़ने लगे हैं। तब मैं पिछली गली में निकलकर देर तक ठंडी हवा में टहलती हूँ।
लेकिन किसी को कभी मेरे वजूद का सही तौर पर एहसास तक नहीं हो सका कि इस घर में कोई लड़की भी रहती है। मैंने अपने आप पर ये बंदिशें क्यों लगाए रखी, सिर्फ इसलिए कि मुझे माँ बाप की इज्जत प्यारी थी और इन्हें माँ बाप ने मेरा रिश्ता एक ऐसे लखपति से तय कर दिया है जिसकी बेटियाँ उम्र में तकरीबन मेरे बराबर हैं। सिर्फ एक मरतबा हम अपने दूर के कुछ अजीजों के यहाँ लाहौर गए थे, वहाँ न जाने किस सिलसिले में वो भी मौजूद था। उसने सिर्फ एक मरतबा मुझे देखा और तब से मेरे वालदैन के पीछे पड़ा हुआ था। उसने उन्हें न जाने क्या पट्टी पढ़ाई है, क्या जादू किया है या क्या लालच दिया है कि वो राजी हो गए। चंद दिन बाद हम लाहौर चले जाएंगे, वहीं शादी होगी और शायद अम्मी अब्बा भी फिर कभी वापस ना आए। वो एक लम्हे के लिए खामोश हुई और बिस्तर की चादर से आंसू पूछने लगी। मैं दम बखुद था, वो अपनी हजियानी सी कैफियत से कदरे संभले हुए बोली, मैंने बहुत सोचा, खुद को एहतसाब की सूली पर चढ़ाया, अपने आप से जवाब मांगा कि आखिर मैंने कौन सा गुनाह किया था जिसकी पादाश में मुझे इस जहन्नम में धकेला जा रहा है, मगर मुझे कोई जवाब न मिला। आखिर मैंने फैसला किया कि इस जहन्नम में पहुंचने से पहले एक गुनाह तो कर लूं, ताकि उम्र भर खुद को ये समझा कर तसल्ली दे सकूं कि ये अजाब मेरे गुनाह की सजा है। बगैर गुनाह के संसार होना तो बहुत ही अजियतनाक है ना, तुम बताओ क्या मैंने गलत किया। मैं उसे क्या जवाब देता, मैं तो बर्फ का बुत बना बैठा था, मेरा जहन बहुत छोटा था और उसकी बातें बहुत बड़ी। मैं कुछ भी ना बोल सका, मेरा जहन सनसना रहा था। मैं तो सिर्फ एक खूबसूरत लड़की से मिलने, उसे अपनी मोहब्बत का एहसास दिलाने, उसके तगाफुल की गिले शिकवे करने और उसके वजूद को बहुत करीब से महसूस करने के लिए यहाँ आया था। महज नौजवानी का सनसनी खेज इश्तियाक और जोशो खरोश मेरा हमसफर था, मैं अकल और दानिश का पुतला नहीं था। अनजाने में मेरे कदम न जाने किस दुनिया की तरफ उठ गए थे, उसने मुझे न जाने क्यों अपने जालिम सवाल की सूली पर लटका दिया था। मैं उसे कभी कोई जवाब न दे सका, उसके हाथ से मुझे जल्द वापस आना पड़ा। उसने खुद ही बसद इसरार मुझे रुखसत कर दिया। घर आकर मैं घंटों मुर्दा छिपकली की तरह अपने बिस्तर पर पड़ा रहा।